नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है वाराणसी क्षेत्र के आक्रामक विधायक विवेक पटेल के साथ। इनसे जानते हैं कि आजकल ये जो जिस तरह से रेत के अवैध कारोबार को लेकर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, घाट पर जाकर ट्रैक्टर जेसीबी मशीन और जो अवैध कार्य में लिप्त वाहन हैं उनको जब्त कराने के साथ साथ ये खुली चुनौती दे रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में अब रेत का अवैध कारोबार नहीं होना। रेत के मामले के अलावा इन दिनों जो बाघों की मौत हो रही है उनको लेकर भी ये वन विभाग को आड़े हाथ लेते दिखाई दे रहे हैं। उनसे जानते हैं कि किन किन मसलों धन्यवाद। हमने चुनाव के दौरान कहा था कि हमारे क्षेत्र में जो लूट चल रही है वो ख़त्म होगी, माफिया राज ख़त्म होगा। पिछले 20 सालों से अवैध खनन का काम चल रहा है और हमने कुछ लोगों से कहा था कि हमारे जीतने के बाद हम इसमें लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। पिछले 4-5 सालों से मैं यही काम कर रहा हूं और 3 दिन पहले इसी के तहत हम मौका बिटली गए। हमने देखा वहाँ जेसीबी, पोकलैंड, डंपर, ट्रैक्टर लगे हैं। हमने पता किया कि कोई खर्च सेंसर ही नहीं है। पिछले 3 सालों से लगभग 5 से 10 करोड़ की रेतवा की चोरी हो चुकी है। माननीय अधिकारी को बुलाया, इंस्पेक्टर को बुलाया, उसका प्रकरण बनाए और इसके अलावा लगातार हमारी मुहिम चलती रहेगी कि हमारे क्षेत्र में अवैध खनन ना हो, उस पर प्रतिबंध लगे। भैया, खुले रूप से एक सरे रहा इतना बड़े पैमाने पर इसका कारोबार चल रहा है, क्या शासन ये प्रशासन क्या पंगु दिखाई दे रहा है उनके सामने? क्या ये शासन और प्रशासन की विफलता है, दोनों के संज्ञान में है पर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई करने में चूक रहे हैं। ऐसा तो है नहीं, इसके पहले भी कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने जब्ती बनाए थे, पूरी जब्ती की जो धान थी वो रेत थी पूरी गायब हो गई। तो कहीं ना कहीं हमारा जो धूलमूल रवैया है शासन प्रशासन का, उसका चोरी चल रही है, पर हम अपने क्षेत्र में काम होने देंगे नहीं। अभी इन दिनों से खापा और सांग के बीच में बाघ मूवमेंट कर रहा था, शेरनी और 2 बच्चे, मीडिया में आया, लोगों जानकारी में थी, पर कहीं कोई विभाग द्वारा कैमरे नहीं लगाए गए, सर्चिंग नहीं की गई, पेट्रोल नहीं की गई। यदि कोई वन्य प्राणी आबादी के एरिया में आता है तो उसे आबादी से पुनः जंगली क्षेत्र में ले जाने का दायित्व किसका है? फॉरेस्ट का है। पर यहाँ कॉरपोरेशन के लोगों ने बहुत गैर जानकार विभाग की भूमिका निभाई, उसी के तहत वो बाघ की मौत हुई। उसके बाद भी हमने उस दिन कंजोटा फॉरेस्ट से बात की और DFO आए थे अमित सिंह, उनसे बात की कि अभी भी वो शेरनी अपने बच्चे के लिए घूम रही है, अभी 2-3 शेर अभी भी वहीं हैं खापा और बुदगसार सांग के बीच में, उन्हें बचाएँ फिर घटना की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि उस दिन शिकार हुआ है उस शेर का। उसके अलावा सोने वाले में शेर हैं, सिलेजरी में शेर हैं, इन्हें बचाया जाए और किसी भी तरह कोई हमला ना हो। अभी वहाँ वाहन चलते हैं, फॉरेस्ट लकड़ी कटाने और बेचने के लिए नहीं है, फॉरेस्ट है फॉरेस्ट बचाने के लिए, वन पर्यावरण बचाने के लिए। अभी वहाँ पुरानी गाड़ियाँ चल रही है, कहाँ सोने वाली में धुआं उड़ता है उनका, ऐसे उनके परमिट निरस्त करने चाहिए। ऐसे जो मेंटेन गाड़ी नहीं है उनको वहाँ नहीं चलना चाहिए। इस पर हम चाहेंगे लगातार फॉरेस्ट विभाग ध्यान दे। अभी विभाग के लोगों से मैंने बोला हूँ कि ध्यान देने इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और ये जो शेर की मौत हुई है यहाँ भी कहीं लापरवाही फॉरेस्ट विभाग की है। हम चाहेंगे विभाग सुधरे और शेरों की संरक्षण करे। एक चीज़ और देखता है भैया, ये शायद आपके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा कि वन विभाग के द्वारा मनमाने ढंग से सागौन का प्लांटेशन किया जा रहा है और जो जंगल में खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही है तो वो ग्रामीण अंचलों में जो वन्य प्राणी वो जाते हैं और उनका शिकार होता है और इंसानों का और वन्य प्राणियों का आमना सामना होता है और इसमें वो शिकार होकर मारे जाते हैं। तो जिस तरह से ये बेजा सागौन के प्लांट्स लगा रहे हैं तो क्या ये वन्य प्राणियों के लिए माकूल है, क्या मानते हैं? गर्मी के पहले फॉरेस्ट विभाग टैंक बनाता है, तालाब बनाता है कि उनको वन्य प्राणियों को उनमें पानी मिले, ऐसे पौधे लगाएं जिन्होंने जिससे उसका भोजन मिले, चाहे बंदर हो, हिरन हो, जो शहर तक ना आए, इसके प्रयास करना चाहिए। सिर्फ नर्सरी लगाए पर बाकी ऐसी भी लगाएं कि जानवर शहर तक ना आए, लगातार घटनाएं हो रही है। सागौन क्या उनके लिए वो है, क्या उपयोगी है? सागौन उपयोगी नहीं है ना, सागौन जितना जरूरी उतनी लगाए ना, उससे ना लगाएं, हर पौधे लगाए जो जरूरी हो और ये प्रयास करें। चूँकि टाइगर के लिए मैं तो टाइगर प्रेमी और हमारे शहर के बहुत से लोग वन प्रेमी हैं, उन लगातार प्रयास करते हैं कि हमारे टाइगर बचें और इस घटना ने हमें सबको आहत की है, बहुत दुखी की है। हम चाहते हैं पुनरावृत्ति ना हो, नहीं तो इसका हमारे अधिकारी को उसके तकलीफ उठानी पड़ेगी। आय कोई उपलब्धि कि उन्होंने कोई बड़ा काम, हमें वाराणसी की बात करूँ, यहाँ 12 साल में केंद्र सरकार का कौन सा काम आता है? आप जो भी काम हुए हैं तभी हुए हैं, चाहे सेंट्रल स्कूल हो, ITI हो, बालाघाट में सेंट्रल स्कूल हो या नवोदय हो, कोई भी काम जब भी हुए हैं
माइल हो, भरवेली, उकवा हो, तिरोड़ी हो, सब काम कांग्रेस की सरकार तब हुए, कांग्रेस सांसद तब हुए थे। इनको तो वोट देना ही नहीं चाहिए भाजपा के लोगों को। यहाँ अभी बताइए आप, 3 महीने पहले चुनाव हुए विधानसभा के, इन्होंने वोट मांगा मोदी गारंटी के नाम पर कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को, चूंकि हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है, धान उगाते हैं, धान बेचते हैं, जीवन चलाते हैं, इन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो 2100 धान का देंगे, गेहूँ का 2700 देंगे, सिलेंडर 450 मिलेगा, 3000 रुपये महिलाओं को मिलेगा, कोई भी इनकी गारंटी पूरी नहीं की। तो जनता को सबक सिखाएगी, उनसे जनता पूछेगी कि यदि 2100 हमको धान का नहीं मिलेगा तो भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। इस बार जनता सबक सिखाएगी, कांग्रेस को देखना, कांग्रेस का ही सांसद बनेगा। आखिरी सवाल भैया, क्या लगता है कि जिस हिसाब से जनता आपसे अपेक्षा रखे हैं, इसी तरह का आक्रामक रूप अवैध कार्यों को लेकर, रेत को लेकर आपका आगे भी बरकरार रहे? हर मुद्दे पर जनता ने इस बार शासक नहीं, वारसों में सेवक चुनी है। मैं सुबेदार में बैठा हूँ, लोगों को सुन रहा हूँ समस्या, और हर समस्या का निदान करने का प्रयास करता हूँ। कोई भी अचार संहिता लगी है, निर्माण का तो नहीं होंगे, पर छोटे लोग जो काम होते हैं, कहीं अभी बिजली के संकट चल रहा है हमारे क्षेत्र में, रबी लगी है तो कहीं ट्रांसफार्मर लग जाएँ, कहीं पोल लगे, हमारे यहाँ का लोड बढ़े, हर गांव तक बिजली पहुँचे। इस समय परीक्षा चल रही है और रबी का समय है, और अभी हमारे खैलनाजी सेक्टर में और डोरमाली सेक्टर में ज़्यादा दिक्कत जा रही है। अभी वहाँ कैपेसिटर भी लग रहे हैं, डोरमाली में काम चल रहा है अभी, वहाँ पता किया मैंने। तो लगातार जीवन जनता के संपर्क में हम चाहेंगे लोगों को सुविधाएं पहुँचे, हमारे क्षेत्र के लोग सरकारी कार्य में भटके ना, अवैध कारोबार ना हो, वनों का संरक्षण हो, रेतों की चोरी ना हो, माफिया राज खत्म हो, हर दिशा में हम काम करेंगे, जनहित में काम करेंगे, जिस मुद्दे में जनता ने हमें जिताया है, जनता के साथ खड़े रहेंगे। तो विधायक विवेक पटेल जी का स्पष्ट कहना है कि मुझे जनता ने जिताया है, और न सिर्फ अवैध कार्य, रेत के कारोबार, बल्कि ऐसे तमाम मुद्दे जो रेत और पर्यावरण के विपरीत है, उनके खिलाफ वे सदा खड़े रहेंगे, और आगे भी उनका इसी तरह आक्रामक रवैया देखने को मिलेगा। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए महेंद्र उइके के साथ हरीश लिल्हारे।